अभी आज बैठक करेंगे, बैठक करेंगे आज कल चुनाव की तैयारी और जितने केंद्र से कार्यक्रम आए उन सबका इम्प्लीमेंटेशन, यही अपनी जिम्मेदारी। कहा जा रहा है कि बीजेपी 100 सीट अग्रिम घोषणा करने वाला है, उसमें से उड़ीसा का कितने होंगे? उड़ीसा की भी दो तीन सीट होंगी। सर बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक टाइप सरकार होने वाला है बीजेपी और बीजेडी का, उसके ये, बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि केंद्र का विषय है, केंद्र वाले जो करेंगे वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन हम तैयारी पर हैं कि यहाँ सभी सीटों पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को आपने भेजा था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी है आगे? वो तो तैयारी है, जितनी भी कार्य समिति राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रदेश जो परिषद थी उसमें जो भी बात तय हुई थी उन सभी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और निचले स्तर तक हमें तैयारी करनी है। सर अभी यहाँ की जो सरकारी दल है वो कह रहे हैं कि 10,000 सीट्स पहले ही बुक हो चुका है बीजेडी का और उसमें थोड़ा कुछ जातीय नेता भी शामिल है। 10,000 टिकट मिलने के लिए बीजेडी बोल रहे कि हमारे पास 10,000 का आवेदन आया है, कांग्रेस बोले कि बीजेपी वाले और बीजेडी वाला भी हमारे लिंक में है, तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या है उस हिसाब से? कांग्रेस तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, यहाँ तक बीजेडी का सवाल है वो कुछ भी कहें इसका जवाब तो वो देंगे कितने आए हैं। हम सब सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, विधानसभा की भी और लोकसभा की भी, और लड़ेंगे तो स्पष्ट बहुमत विधानसभा में भी पाएंगे और लोकसभा में भी। मैंने पहले विकास 16 से अधिक सर, ये क्या इसका टिकट देने के लिए इसका क्या है मैंडेट, क्या है स्टैंडर्ड, क्या है कैसे चुनाव कैसे करेंगे कैसे चुनेंगे? देखिए अभी तो सिर्फ निचले स्तर से पूरा जानकारी ली जाएंगी, ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे, सबसे रिपोर्ट ली जाएगी, तब पैनल तैयार होंगे। अब मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वीक तक आज बैठते हैं, आज बैठेंगे सबके साथ बैठ के योजना बनाएंगे। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।